अरे सेठ जी तो गांव आए हुए हैं और ये तो इन्हीं से मिलने बाजार गए हैं। हे भगवान। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार। गांव कैसे आना हुआ? मजबूरी थी इसलिए आना पड़ा। रानो जी का बहुत दिनों तक इंतजार किया और आज भी कर रहा था। मुझे तो लगता है रानो जी मेरा काम ही नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए मैं आया था रेहाना और सलीम को काम देने के लिए। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी सेवा पर। ठीक है देखते हैं, जो हारेगा वो शिरडी छोड़कर जाएगा और जो जीतेगा वही कहलाएगा साईं का सबसे परम सेवक। कावेरी भाभी। नमस्कार भाभी। मेरा नाम अब्दुल है, मैं साईं के साथ द्वारका माई में रहता हूँ। माफ कीजिए लेकिन सेठ जी के साथ आपकी बातचीत सुनी मैंने। वैसे तो ये आपका घरेलू मसला है, मुझे इसमें दखल नहीं देना चाहिए। इस वक्त जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। राणू जी भाई साहब को अपने काम पर सख्त ध्यान देना चाहिए। अभी उनकी लापरवाही की वजह से काम चला गया ना आपसे। मैंने उनको समझाने की कोशिश की थी कि साईं का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ, झिपरी है और भी बहुत सारे लोग हैं, वो अपना काम करें, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो सब कुछ समझ के भी क्यों नहीं समझना चाह रहे। मैं भी बोल बोल के थक गई हूँ, समझ में नहीं आता कैसे समझाऊं उन्हें। भाभी आप साईं की मदद क्यों नहीं लेती? अगर उन्हें पता चला कि राणू जी भाई साहब के चलते आपकी गृहस्थी प्रभावित हो रही है तो निश्चित रूप से साईं उन्हें समझाएंगे। बिल्कुल सही सलाह दी आपने, अब तो मुझे साईं से बात करनी पड़ेगी। तो देर किस बात की भाभी, साईं कहते हैं ना काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। साईं मैं आ गया। कावेरी तुम यहां क्या कर रही हो? मैं तुम्हें घर में ढूंढता रह गया। क्या हुआ? राणो जी क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? ये भी कोई पूछने की बात है साईं? तुम मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की थी ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको, अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सको तुम। लेकिन अपने काम की उपेक्षा करके, उसे अनदेखा करके न केवल तुम अपना नुकसान कर रहे हो बल्कि मेरी मदद को भी सार्थक नहीं होने दे रहे हो तुम। क्या कावेरी ने आपसे कुछ कहा है साईं? इसे तो समझ ही नहीं है साईं, मेरा मेरे काम पर पूरा ध्यान है। जितना मैं आपकी सेवा के प्रति समर्पित हूं उतना ही मैं अपने काम के प्रति भी हूं। साईं अगर ऐसा नहीं होता तो बाजार में मुझे जो 5 नए कंबल बनाने का काम मिला है वो नहीं मिला होता। लेकिन आपने मुझे सच नहीं बताया, मेरी सेठ जी से मुलाकात हुई थी, वो गांव आए थे और उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बताया। आपसे पूछा था मैंने और आपने मुझसे झूठ कहा। मैंने सोचा राणो जी जब तुम मेरे पास आए थे और तुमने कहा था कि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम सेवा करना चाहते हो तो ठीक है, कर सकते हो सेवा, लेकिन अपने परिवार की उपेक्षा करके नहीं, अपने काम की उपेक्षा करके नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद। साईं वो साईं वो उत्तर दो राणो जी, उत्तर दो, कहा था या नहीं? जी कहा था। राणो जी मुझे खुशी है इस बात की कि जिन लोगों ने तुम्हारी मदद की तुम उनकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हो, उनकी सेवा करने के लिए हमेशा हाजिर रहते हो तुम। लेकिन तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए ना
कि दूसरों से कहीं अधिक प्राथमिकता तुम्हें अपने परिवार को, अपने काम को देनी चाहिए। जी साईं। अब घर जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। चलता हूं साईं। मेरे जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं अब्दुल जैसे लड़के से हार मान लूंगा। निकल जा मेरे वाड़े से। आज से तेरा इस वाड़े से और यहां के लोगों से कोई संबंध नहीं। नहीं रुक्मिणी, अगर तू उसके पीछे गई तो वापस आने के बारे में सोचना भी मत। कितनी बेबस माँ हूं मैं। अपने बेटे के लिए निर्णय लू इतना भी अधिकार नहीं दिया आपने मुझे। और अब जब मैं उसकी मदद करना चाहती हूं, उसे सही रास्ते पर लाना चाहती हूं, तो मैं फिर से असहाय हूं। इसीलिए अब मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। आप ही उसकी मदद कीजिए, उसे सही रास्ते पर ले आइए। और आपको ये करना ही पड़ेगा मेरे लिए। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, ना ही मैं कुछ खाऊंगी और ना ही मैं कुछ पीऊंगी। मामी जी, आप रोइए मत, चुप हो जाइए, मैं अपने दादा को वापस लाऊंगा। लीजिए सरकार, मुंह मीठा कीजिए। अमन का दाखिला मैंने बंबई के एक नामचीन विद्यालय में करवा दिया है। लीजिए, अच्छा किया आपने, अच्छा निर्णय लिया रतनलाल जी। और वैसे भी मैंने आपसे कहा था कि लंदन में पढ़ना सबके बस की बात नहीं होती है, धन की प्रचुरता अनिवार्य है। नहीं नहीं सरकार, धन का कोई अभाव नहीं था। सच तो यह है कि आपके बेटे केशव की हालत देखकर भला कौन बाप अपने बेटे को लंदन भेजना चाहेगा। आपके कहने का आशय क्या है रतनलाल जी? सुना है कि आपका केशव लंदन से शराबी बनकर लौटा है। क्षमा कीजिएगा सरकार, बहुत दुख हुआ सुनके। इतने ऊंचे खानदान का लड़का, जिसके पिता ने उसे बैरिस्टर बनाने के लिए न जाने क्या क्या किया, और वही लड़का ना सिर्फ शराबी बन गया बल्कि शराब पीने के लिए शराब की भट्टी पर मजदूरी तक कर रहा है। मेरा केशव भट्टी पर मजदूरी कर रहा है? इससे पहले कि मैं आपको अपमानित करूं, निकल जाइए यहां से। मुझे तो आप चुप करा देंगे सरकार, लेकिन दुनिया वालों का मुंह कैसे बंद करेंगे? आओ, मैं कुछ नहीं सुनना है मुझे रुक्मिणी। मैं अपने कक्ष में जा रहा हूं, कोई विघ्न नहीं चाहिए मुझे।
शिव की मदद अगर कोई कर सकता है तो वो है साई। लेकिन मैं कैसे जाऊं उनके पास? मामा की चिंता छोड़िए मामी जी, वो कुंभ भवन में गए हैं और उनको बाहर आने में बहुत समय लग जाएगा। आप जानती है ना, उनका गुस्सा कभी ठंडा नहीं होता, इसलिए जल्दी चलिए मेरे साथ। लेकिन कहाँ गोविंदा? अब पता चल जाएगा आपको, अब चलिए मेरे साथ, चलिए। गोविंदा कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? साई, मुझे पता चला है कि केशव शराब की भट्टी पर रह रहा है। अब आप घर जाइए, पर इस मदद के बदले मुझे भी कुछ चाहिए। शव को सही रास्ते पर लाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तो ठीक है, गोविंदा को मेरे पास छोड़ जाइए। सरकार को पता चला कि गोविंदा साईं के पास है तो? मामी जी, आप मामा के बारे में सोच रही है ना? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं ये खबर मामा तक पहुंचने ही नहीं दूंगा और मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि केशव दादा वापस आ जाए, और अपनी तरफ से साईं भी पूरी कोशिश कर रहे। अगर मामा सरकार है तो मैं भी गोविंदा हूँ। अब्दुल, द्वारका माई का ध्यान रखना। जी साईं। तात्या,
जी साई, मुझे शराब की उस भट्टी पर जाना है, ले चलो मुझे वहां। आप वहां जाएंगे? हाँ। अगर हमें केशव को वहां से वापस लाना है तो हमें वहां जाना ही होगा। उठिए साहब, कल से पड़े हुए हैं। उस समय तो बड़ी शान से कहा था कि काम करूंगा, तो जाइए जाकर कुछ काम कीजिए। ग्राहक आकर बैठे हुए हैं, उनसे जाकर पूछिए कि उन्हें क्या चाहिए। क्या चाहिए? यहीं पियोगे या घर? कैसे हो केशव? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको पता भी है कि ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है दादा? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये जो मटके लटकी है उसके अंदर शरबत है क्या? मुझे भी पीना है दादा। तात्या, तुम तो मुझसे भी ज्यादा गिरे हुए इंसान निकले। मुझसे बदला लेने के लिए तुम गोविंदा को यहाँ ले आए? मैं यहाँ किसी को नहीं लाया हूं। मैं लाया हूं। आप क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी मां से वादा किया है कि आज तुम अपने घर वापस जाओगे। सच में आप लोगों को प्रभावित करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन आज आप सफल नहीं हो पाएंगे। आज मां को भी पता चल जाएगा कि आप एक बहुत बड़े ढोंगी हैं, और मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला, खास करके उस दुनिया में तो कभी भी नहीं जहां मुझे कठपुतली समझा जाए, जहां मेरी कोई परवाह ना करे। उस दुनिया से तो ये दुनिया बेहतर है। और यहाँ ये लोग तुम्हारी परवाह करते? नहीं, और मैं इनसे उम्मीद भी नहीं करता, इसलिए मुझे यहाँ कोई दुख नहीं है। और रही बात यहाँ से जाने की, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। गोविंदा, तुम यहाँ से सीधे अपने वाड़े में जाओगे, और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत भी मत करना, समझे? जाऊंगा, लेकिन आपको साथ लेकर। लगता है अब यहां काफी देर बैठना पड़ेगा, तो बेहतर यही है कि हम लोग भी कुछ पिए, हर जगह का आनंद लें। सुनिए, आपके पास पीने की जो सबसे बेहतरीन चीज हो उसके दो कुल्हड़ दीजिए। रुकिए, तीन दीजिए, तुम भी तो पियोगे ना गोविंदा? गोविंदा पिएगा? आप भी पिएंगे? ये आप क्या कह रहे हैं साईं? अच्छा, तो ये है शिरडी के साईं। मैंने तो इनके बारे में बहुत सुना है, ये तो संत है, धार्मिक व्यक्ति है, फिर ये खुद भी पीने की बात कर रहे हैं।
और बच्चे को भी पिलाने की बात कह रहे हैं। जल्दी लाओ। ये नहीं कर सकते साईं। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। मेरे ग्राहकों को तुम रोक नहीं सकते, समझे? छोड़ो मुझे। शराब तो मसाला दूध बन गए। ये तो चमत्कार है साईं का। साईं रुकिए। तात्या गोविंदा को मत पीने दीजिए साईं। रुक जाओ, मत पियो गोविंदा। नहीं गोविंदा, मत पियो। क्यों चिल्ला रहे हो दादा? इतना तो अच्छा है, मुझे भी पीने दीजिए और आप भी पीजिए। तुम्हें और चाहिए गोविंदा? हाँ साईं। सुनिए, और दीजिए। मत दो। गोविंदा बच्चा है, बच्चा। मत करिए ऐसा साईं। तुम भी तो बच्चे हो, अगर तुम पी सकते हो तो गोविंदा क्यों नहीं पी सकता? क्यों गोविंदा? हाँ साईं, पियो, आप भी पियो, बहुत अच्छा है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुझे और चाहिए। और दीजिए।